पार्वती जी साड़ी पहना रही है, पेटीकोट पहनाया फिर साड़ी पहनाई, नकली जूड़ा लगा करके बालों को बांध दिया, काजल लगा दी आंख में, होठों में लाली लगा दी। भोले बाबा ने अपने आप को कांच में देखा तो भोले बाबा तो एकदम सखी लग रहे हैं, देख करके मगन हो गए। और भोले बाबा अपने आप को सखी ही समझ लिए और क्या कहते हैं, मैं तो जाऊंगी वृंदावन धाम, मैं तो जाऊंगी वृंदावन धाम, रखूंगी राधा रानी का नाम, मैं तो जाऊंगी वृंदावन धाम, रखूंगी राधा रानी का नाम, मैं तो जाऊंगी वृंदावन धाम, रखूंगी राधा रानी का नाम, मैं तो जाऊंगी वृंदावन। कौन कौन वृंदावन जाना चाहते हैं हाथ उठा करके बताइए, कभी जाना चाहते हैं ताली बजाते हुए श्री राधे। Hey!
वृंदावन मेरे मन भाया, वृंदावन मेरे मन भाया, वृंदावन मेरे मन भाया, वृंदावन मेरे मन भाया, मन मोहन मेरे मन में करते हैं, नृत्य करते हैं, नाचते हैं, स्वयं भोले बाबा प्रकट होकर के रास में भाग लेते हैं। लेकिन जब मगन हो गए नाचते नाचते तो भोले बाबा के सर में जो साड़ी रखी थी वो खिसक गई और साड़ी जब खिसक गई जब सर से सारी तो मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। भोले बाबा मगन हो गए और साड़ी भोले बाबा के सिर से खिसक गई। अब साड़ी खिसकी तो भोले बाबा तो पकड़े गए। गोपियों ने ले जाकर के बाबा को खड़ा किया काना के पास में, बोले देखो ये नंबर दो की गोपी, इसको पकड़ो आप, सजा दो। नंबर दो की गोपी है ना भोले बाबा, तो नंबर एक की तो वो है जो ब्रज में जिनका जन्म हुआ है, जिनको बुलाया गया, ये नंबर दो की गोपी है राधा रानी के दरबार में भोले बाबा बन करके गए। भोले बाबा यहाँ जोर से खड़े, डरे बहुत हैं क्योंकि गोपियों के बीच में पकड़े गए हैं तो डर गए बेचारे। लेकिन अब भंग के नशे में थे, खूब नशा करके भांग का गोला खा के गए थे भोले बाबा। बोले जो सजा दोगे वो तैयार हमें भोगने के लिए, दो सजा। कान्हा जी ने कहा सजा ये है कि अब आपने ये गोपी का रूप धारण कर लिया है तो जब तक ये पृथ्वी रहेगी, ये धरा रहेगी, और जब तक ब्रजमंडल रहेगा, वृंदावन रहेगा, जब तक वृंदावन में यमुना जी रहेंगी, जब तक यहाँ भक्त आते रहेंगे, तब तक आप इसी रूप में यहाँ पर आप विराजमान होकर के भक्तों को दर्शन देते रहोगे। तो ये सजा भगवान भोले बाबा को कान्हा जी ने सुनाई
भगवान भोले बाबा गोपेश्वर के रूप में प्रकट हो जाते हैं वहाँ, आज भी विराजमान है गोपेश्वर। जब आप हमारे साथ चलोगे, जो हरिद्वार का प्रोग्राम बन रहा है 15 मई का जो बना है, 4 महीने पहले फिक्स हो गया है, तो जब आप चलोगे तो यदि आप वृंदावन भी जो लोग जाएंगे तो उनको जो है गोपेश्वर जी का दर्शन कराया जाएगा। और एकदम हमारी जो गौशाला है किशोरी करुणा कुंज, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी में मात्र गोपेश्वर जी है, वहां से पैदल एकदम सीधा पैदल आएंगे रंग जी का मंदिर, रंग जी के मंदिर के बाद फिर बस गोपेश्वर जी आ गए। गोपेश्वर महादेव की राधे राधे। कल मैंने बताया था कि जो लोग मोबाइल रखते हो एंड्रॉइड से, जिनके मोबाइल में यूट्यूब में भजन आते हो, कल मैंने बताया था, और वो लोग यूट्यूब में जा करके वहां पे किशोरी करुणा कुंज लिखें। क्या लिखें? कल कुछ माताएं यहाँ तुलसी लेने आई थी तो बोले महाराज क्या लिखना है उसमें, तो हमने कहा चलो अभी जो है मैं बोल नहीं रहा, बोल नहीं, फिर बोलते बोलते थक जाता हूँ ना, आवाज नहीं निकलती है। अब यहाँ जब फिर तो एक बार बंद कर दिए तो गला ठंडा हो जाता है, फिर नहीं बोल पाता। जब तक गला गर्म है तो चाहे आप 10 बजे तक कथा करवा लो, लेकिन भी बीच में अगर व्यवधान हो गया तो गला ठंडा जाता है, और एक बार गला ठंडा हो गया तो पिकअप बनाने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए जो माताएं पूछ रही थी महाराज क्या लिखना है, तो उनको यूट्यूब में लिखना है किशोरी करुणा कुंज, किशोरी करुणा कुंज, ये आश्रम का वहां गौशाला का नाम है। और ये नाम डालोगे यूट्यूब में तो सारी भजन जो है निकल आएंगे वहां से, आश्रम गौशाला से भजन भजन ही निकलेगा पूरा। और वहां पे चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब करें, कल मैंने बोला था सब्सक्राइब करने के लिए तो तकरीबन 100 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। कल एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग, 100 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, 100 लोग। अब बाकी लोग जो है आज करें और करें। किशोरी करुणा कुंज मेरा चैनल जब खुलेगा तो उसमें यही वाली फोटो लगी हुई है जो इसमें लगी है, तो आप फोटो देख के पहचान जाओगे। और फिर उसमें जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बोलो राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में जो फोटो वगैरह डाली जाती है कथा की उनको सबको लाइक करें, और उसमें राधे राधे ही लिखिए और कुछ ना लिखिए। लोग बोलते हैं महाराज जी आप बड़े अच्छे लग रहे हैं ऐसा लिखते हैं उसमें, ऐसा बिल्कुल ना लिखें, आप राधे राधे लिखिए, सिर्फ राधे राधे। और राधे राधे मैं भी राधे राधे ही लिखता हूँ हमेशा, राधे राधे बोलते जाओ, बाकी सब राधा रानी काम करती जाएंगी, आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो भगवान भोले बाबा गोपी रूप में प्रकट हो जाते हैं, आज भी भगवान भोले बाबा दर्शन दे रहे हैं, आज भी भगवान भोले बाबा को साड़ी पहनाई जाती है, चुनरी डाली जाती है, 16 श्रृंगार जो एक सुहागन का जो श्रृंगार होता है, 16 श्रृंगार भगवान का आज भी किया जाता है, तब भगवान की आरती होती है। 16 श्रृंगार करके भगवान की आरती आज भी करी जाती है, भगवान गोपियों के मध्य से यहाँ पर अंतर ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों को अभिमान होता है, गोपियों को अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है, और घमंड को दूर करने के लिए, अभिमान को दूर करने के लिए भगवान गोपियों के बीच से गायब हो जाते हैं। मैंने कहा था कि अभिमान न करना, शुरू में ही आज बैठते हुए मैं बोला था कि अभिमान किस बात का करें, अभिमान भगवान का भोजन है, भगवान अभिमानी व्यक्ति का अभिमान खाते हैं, इसलिए अभिमान कभी जीवन न करें। गोपियां अभिमान करती हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हम जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछिद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तउ पुन पार न पावे, ताहि अहीर की छोकरियां छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। ये गोपियों का अभिमान हो गया कि हम तो आज कान्हा को देखो नाच नचा रही हैं, हमारे साथ सारे जग को नचाने वाला नाच रहा है, ये हमारा भाग्य देखिए। ऐसा गोपियों को अभिमान हुआ जब, तो भगवान गोपियों के बीच में से अंतर्धान हो जाते हैं। गोपियां भगवान को ढूंढती है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ
क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ति कृपणायामि सखेदर सन सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, हे मेरे प्राण प्रीतम, आप हमें दर्शन दो। ऐसा कह करके गोपियां भगवान को ढूंढने लग गई हैं, विलाप करने लगी गोपियां। भगवान को ढूंढते ढूंढते गोपियां थक जाती हैं, रोने लग जाती हैं, पेड़ों के आड़ में, झाड़ियों के आड़ में ढूंढती हैं, लताओं में कहीं छिप गए हैं वो देखती हैं, वृक्षों में ऊपर देखती हैं, गुफाओं में देख रही हैं, कहीं भगवान छिपे हुए हों तो निकाल करके भगवान को लाऊं। भगवान कहीं नहीं मिले, घर घर में भगवान है, लेकिन भगवान को ढूंढने के लिए अंदर की आंख चाहिए, बाहर की आंख से भगवान नहीं मिलते। गोपियां जब ढूंढ ढूंढ के थक गई तो जंगल में, घोर जंगल में जाकर के अंदर भगवान को ढूंढ रही हैं। वहीं पर उन्हें राधा रानी मिली, लताओं से पूछती हैं, तुलसी से पूछती। एक गोपी ने तुलसी से पूछा कि तुमने देखा कहीं, वृंदा का मतलब तुलसी होता है, वृंदा वन तुलसी का वन, तुलसी से पूछती है कि तुमने कहीं देखा कान्हा को। एक गोपी बोली, अरे तो इससे क्या पूछती है, ये तो हमारी सौतन है, ये कान्हा के सिर के ऊपर चढ़ती है, तुलसी चढ़ती है ना कान्हा को, इससे मत पूछिए, तो जानती होगी तो भी ना बताएगी, इससे क्यों पूछती। यमुना जी के किनारे गई है, पुनः पुण्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम प्रेम बीजास्मिते तदागमन कांक्षिता। यमुना जी के किनारे जाकर के एकजुट होकर गोपियों ने भगवान को पुकारा है। 19 श्लोक में गोपियों ने भगवान को पुकारा, यही गोपी गीत है। 19 श्लोक रात्रि को 12 बजे के बाद तकरीबन 2-2.5 बजे का समय है, और रात को 2.5 बजे गोपियां भगवान को गोपी गीत के माध्यम से पुकार रही हैं। बोले राधा रानी की, आप भी मेरे साथ में आइए और गोपी गीत को श्रवण करते हुए भाव से आप मेरे साथ गोपी गीत को श्रवण करें, क्योंकि जो लोग गोपी गीत को गाते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप भाव से मेरे साथ में गोपी गीत श्रवण करें और अपना जो है पुण्य बढ़ाएं। बोलो राधे राधे। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजा श्रयाति हिंगिरा Oh,
Yeah.
Oh,
सुजात चरणा गुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटभीमटसि धनव्यधते न किञ्चित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर्भदया कूर्पादिभिर्भ्रमति दीर्भवदायुषाम् नः। 19 श्लोकों में गोपियों ने भगवान को पुकारा। राधा रानी जी के साथ जमुना जी के तट पर बैठ करके और भगवान को पुकार पुकार करके जब गोपियां रोने लग गई तो भगवान गोपियों के मध्य में ऐसे प्रकट हो गए जैसे बादलों के बीच में छुपे हुए भगवान सूर्य प्रकट हो जाते हैं। तासाम आविर्भूचारि स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रगभि साक्षान्मन् मथमन् मथ साक्षान्मन् मथमन् मथ। भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। बड़ी सुंदर भगवान की छवि है और भगवान के प्रकट होते ही गोपियां भगवान को चारों तरफ से घेर ली। किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने उंगली पकड़ ली, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने भगवान का पीताम्बरी पकड़ लिया। भगवान को चारों तरफ से घेर करके गोपियां खड़ी हो गई। पुनः महारास होता है, फिर भगवान गोपियों के साथ में नृत्य करते हैं। पहले रास हुआ था, इस बार महारास होता है। 6 महीने तक ये रास चला, 6 महीने तक। रास में भगवान खो गए तो देवता परेशान है कि भगवान तो भूमि पर अवतरित तो होते हैं धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, और भगवान 6 महीने से नाच रहे हैं गोपियों के साथ, कैसे धर्म स्थापित होगा। देवता परेशान है और सभी देवताओं ने आपातकालीन मीटिंग रखी, मीटिंग बुलाया और मीटिंग में देवताओं ने आपस में विचार किया इस बात पर कि कृष्ण तो भक्त वत्सल हैं, यदि वो रास में से बाहर नहीं निकल रहे तो हम लोगों का उत्तरदायित्व बनता है, हम उन्हें जो है सावधान करें और उन्हें एक बार निवेदन करें कि चलिए अब आगे की लीला आपको भूमि का भार हरना है, वो आप कृपा करके हम देवताओं का, हम ऋषियों मुनियों का, महात्माओं का दुख आपको दूर करना है और वो दुख दूर तभी होगा जब दुष्टों का संहार होगा। नारद जी को सभी देवताओं ने अपना सचिव बनाया, संदेशवाहक बनाकर नारद जी को देवताओं ने भेजा। कंस के पास में नारद जी जाते हैं, बोलो राधे राधे। ताई जी आई हैं कथा में, बहुत बहुत जो है अभिनंदन है और आप ताली बजा करके एक बार जो है स्वागत करें। हमारे आपके बीच में हमेशा सम्माननीय माननीय आदरणीय ताई जी हमेशा आती हैं, प्रवीणा ताई जी सब जानते हैं आप लोग,
और बहुत बहुत आपका स्वागत है और एक बार जोरदार ताली बजा करके आप जो है अभिनंदन करें। भगवान देवर्षि नारद आते हैं वृंदावन, मथुरा आते हैं महाराज कंस के पास में, और कंस को आकर के भगवान ने कहा कि आप बड़े ही जो है निश्चिंत हैं, बड़े ही स्वतंत्र और बड़े ही एकदम निर्भय होकर के आप राज कर रहे हैं। शायद आपको मालूम नहीं कि आपको जो मारने वाला ब्रज में पैदा हुआ था, अभी तक वो जीवित है, उसे मार नहीं पाए आपके दैत्य, और आपने उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो कंस ने कहा, महाराज मैं क्या करूं, जिन जिन राक्षसों को मैंने भेजा सभी राक्षस मारे गए, कोई राक्षस लौट करके आया नहीं, बच करके आया नहीं वहां से। नारद जी ने कहा, आप एक एक राक्षसों को भेजते रहेंगे, इससे अच्छा है कि आप उसे ही स्वयं यहां क्यों नहीं बुला लेते, एक एक राक्षस भेजते जाओगे और वो सबको मारता जाएगा। भगवान जो यहां रास में खोए हैं, गोपियां मगन हैं, और वहां जो है देवताओं ने नारद जी को कंस के पास भेज दिया। कंस ने कहा, कैसे बुलाएं? बोले, उन्हें बुलाने का एक ही साधन है। क्या? बोले, तुम्हें शिव जी ने धनुष दिया, उसका यज्ञ रख दो, और उस यज्ञ में दोनों को बुलाकर कृष्ण बलराम को रात्रि में जब सोए रहे तो सोते सोते दोनों को खत्म कर देना। बोलो राधे राधे, ऐसे बोलोगे? एक बार और जय जय श्री राधे। कंस नारद जी के कहने पे आ गया और मथुरा में उसने धनुष यज्ञ का आयोजन रख दिया। तो उसमें जो है भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आते हैं, और वृंदावन में आकर के भगवान को नंद बाबा को निमंत्रण देते हैं अपने पुत्रों के साथ आने के लिए मथुरा में। मथुरा आने का निमंत्रण लेकर के अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए हैं, और हमारे धनंजय जी जो है मंच पर आए हुए हैं, कुछ आपको सूचना देंगे, और इसके बाद हम लोग फिर जो है आगे की कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलो राधे राधे। हेलो, व्यासपीठ मंचा सिंह परम श्रद्धे पंडित राजकुमार मिश्र जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम में कष्टम दिवस अष्टम आठवां वर्ष में छठवां दिन, आठवां वर्ष में छठवां दिन है, जहां परसों कृष्ण भगवान की जन्म हुई, जन्मोत्सव मनाए हम लोग। कल बधाई देने के लिए बहुत सारे अतिथि हमारे आए हैं। आज हमारे बीच में, मैं इस कथा के मध्य में आपके उपस्थित हुआ, हमारे बीच भागवत प्रचार सेवा समिति के मुख्य संरक्षक के रूप में, जिन्होंने अपना संरक्षण दिया है, स्नेह दिया है, माननीय प्रवीणा चौधरी ठाकुर जी, प्रथम महिला महापौर हमारे महानगर पालिका के हैं, बसई विरार शहर महानगर पालिका के प्रथम महापौर हैं, और हम सभी बसई विरार सहित पूरे पालघर में इनके संरक्षण में, इनके परिवार के संरक्षण में, हमारे माननीय श्री हितेंद्र जी ठाकुर के संरक्षण में हम लोग मौज से जी रहे हैं। अच्छे रूप से कोई भी सांस्कृतिक व्यवस्था को हम यहां कायम कर रखे हैं। बहुत कम समय के लिए यहां उपस्थित हुई हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करने के लिए हमारे यहां के नगर सेविका श्री पुतुल जी, पुतुल रविंद्र झा जी, प्रतिभा पाटिल जी यहां साथ में उपस्थित हैं,
और हमारे अतिथि के रूप में श्रीमती माया चौधरी जी भी यहाँ उपस्थित है, जो नगर सेविका हैं, जिन्होंने हमारे और प्रवीणा मैडम के बीच में मध्यस्थता करके इस कार्यक्रम में यहाँ उन्होंने उनके लाए हैं यहाँ पर। मैं उन्हें भी मंच पर आग्रह करूंगा कि आप सभी यहाँ आए। कमल भाई से आग्रह कि आप हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मैडम हम सबके अभिभाविका को मंच पर लेकर आवे। मैं नाला सोपारा से हमारे मित्र जो बिल्डर के व्यवसाय में है, अकाउंट्स के व्यवसाय में है, श्री अमित जी को भी मैं आग्रह करूंगा, अमित मिश्रा जी कृपया मंच पर उपस्थित हों। मैं बुआ कांझा जी से भी आग्रह करूंगा कृपया साथ में यहाँ पर उपस्थित हों। हेलो, मैं आदरणीय प्रवीणा हितेंद्र जी ठाकुर से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी मधुर वाणी से दो शब्द इस मधुरमय कार्यक्रम को समर्पित करें। व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी जी को नमस्कार करते हैं। सभी भगवत प्रेमियों को मेरा जय श्री कृष्ण। आठवां दिन है शायद, छठा दिन है, आठवां साल है और छठा दिन है। आप सभी ज़्यादा करके महिलाएं मुझे यहाँ पर दिखती है और मुझे लगता है महिलाएं ज़्यादा धार्मिक रहती हैं और उन्हीं की वजह से इस सृष्टि का हमारे हिंदुस्तान का धर्म टिका हुआ है, क्योंकि महिलाएं धार्मिक होने की वजह से अपने परिवार में अच्छे संस्कार दे सकती हैं। यहाँ पर आप सभी को मैं बहुत और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि श्रीमद् भगवत ये जो ज्ञान सत्ता है उसमें भगवान के चरित्र का वर्णन होता है और श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं की कथा होती है। तो यहाँ पर आप सभी के बीच में सिर्फ दो लाइनें जो श्रीमद् भगवत की मुझे पसंद है, दशम स्कंद की गोपी गीत की, वो मैं आपको सुना करके आपके बीच से बजा लूंगी। वही वही कथा चल रही है। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कवि भीरीडितम् कर्म शापवम् श्रवण ये होता है कि गोपियां कहती हैं तव कथामृतम,
मतलब भगवान को कहती है कि आपकी कथा का पान या श्रवण हम करने से हमारे सारे क्लेश ताप सब दूर हो जाते हैं, ऐसे आपको भूरीदा मतलब यहाँ इस पृथ्वी के जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, आपकी कथा का वर्णन, आपकी कथा का प्रसाद सभी को बांटते हैं, जैसे हमारे स्वामी जी आज बांटते हैं। और आपकी कथा सुनने से हमारे जीवन के सारे क्लेश ताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे गोपियां भगवान की स्तुति करती हैं। जय श्री कृष्ण। आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया, पधारा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत प्रचार सेवा समिति आपको हमेशा बुलाती हैं और आप यहाँ महिलाओं के बीच में यहाँ पर आकर के उत्साह वर्धन करते हैं। आज सुबह मेरी अप्पा से बात हुई, बोले एक बार बोला ना प्रवीणम जाएगी, ये डिपार्टमेंट उसका है, तो मैडम आ गई, तो मैं समझता हूँ कि सब आ गए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा करके ताई जी का स्वागत। राधे राधे, राधे राधे। एक बार और भाव से, एक बार और भाव से, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले राधा रानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप लोग लगता है कि थक गए हैं, एकदम जो आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की है? आज और कल दो दिन बचा हुआ है, एक बार भाव से जयकारा लगाएं, राधे राधे, जय जय श्री राधे। क्या बात है, वाह वाह। भगवान को लेने के लिए मथुरा से उद्धव जी आए हुए हैं। उद्धव जी का वृंदावन में स्वागत हुआ है, बड़ा आदर हुआ उद्धव जी का। अक्रूर जी आए कि उद्धव जी? अक्रूर जी, अक्रूर जी आए हैं मथुरा से वृंदावन कान्हा को लेने के लिए। मन ही मन अक्रूर जी विचार करते हुए आ रहे हैं, भगवान का दर्शन होगा, मेरे जीवन के पुण्य जागृत हुए हैं कि आज मैं वृंदावन जा रहा हूं गोविंद का दर्शन करने के लिए। जिखियाँ जाए शरण जल जाता, मृदुल से बक सुख दाता, अरुण मृदुल से बक सुख दाता। जी पद परस तरी रिशनारी, परस तरी रिशनारी, जी पद कानन पावन धारी, जनक कानन पावन धारी, जनक कानन पावन धारी। अक्रूर जी मन ही मन विचार करते हैं कि आज मुझे श्याम सुंदर का वृंदावन में दर्शन होगा, आज मुझे कान्हा का दर्शन होगा, ये मन में भाव लेकर के अक्रूर जी मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। रथ में बैठकर भगवान के कीर्तन में मगन हो गए, कृष्ण के कीर्तन में इतना मगन हुए कि रथ के घोड़े जो थे अपने मन से चल रहे हैं,
अपने मन से रथ के घोड़े दौड़ रहे हैं, मथुरा से वृंदावन आते हैं, वृंदावन से फिर मथुरा जाते हैं। अक्रूर जी आंख बंद करके भगवान के ध्यान में मग्न है। जैसे वृंदावन पहुंचे हैं, सायंकालीन का वक्त हो गया, आंख खोल करके देखे हैं तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों गैया चरा करके दोनों भैया लौट रहे हैं। वरह पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रानवेणुरधर सुदया पूरयन गोपवृंदैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान वंशी बजाते हुए मुरली बजाते वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। गौ माता को लेकर के भगवान आ रहे हैं। अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों के सुंदर झांकी को देखा तो देख करके मगन हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। दूरी ही ते देखे दो भ्राता दूरी ही ते अक्रूर जी मगन है, प्रेम मगन हो गए। हाँ, टकटकी लगा करके भगवान कृष्ण और बलराम को देख रहे हैं। अचानक भगवान की नजर जब अक्रूर जी पे पड़ी तो भगवान दौड़ करके आए हैं अक्रूर जी के। दोनों भाई आकर के चरण में गिरे और प्रणाम किया है दोनों भाइयों ने। अक्रूर जी को लेकर के भगवान नंद महल में जाते हैं, चरण धोते हैं, सुंदर शीतल जल पीने के लिए देते हैं। शीतल जल पीने के लिए दिया अक्रूर जी को बैठाए और रात्रि में सुंदर अक्रूर जी के लिए भोजन बनाया गया। बड़ी अक्रूर जी की खातिरदारी हुई, भगवान स्वयं शरण दबा रहे हैं अक्रूर जी के। भूमि पर भगवान भूमिहार भूमि भार हरण करने के लिए अवतरित है, मानव की लीला भगवान कर रहे हैं। अक्रूर जी के चरण भगवान अपने हाथों से दबाने लग गए। चाचा काका कह करके भगवान अक्रूर जी के चरण दबा रहे हैं। आप थक गए होंगे, मथुरा से आए हैं, आपके पैर दबा दो। अक्रूर जी को बड़ा संकोच हो रहा है कि तीनों लोगों का जो स्वामी है वो मेरा चरण दबा रहा है, वो मेरी सेवा कर रहा है, तीनों लोगों का स्वामी। बड़ा संकोच हो रहा है अक्रूर जी को, लेकिन भगवान सेवा किए। रात्रि में सोने से पहले नंद बाबा ने प्रश्न किया कि कैसे आगमन हुआ आपका, कैसे आना हुआ, कोई विशेष प्रयोजन? अक्रूर जी ने बताया कि कंस का धनुष यज्ञ है और कंस ने दोनों भाइयों को निमंत्रण दिया है, आपके दोनों पुत्रों को आप ले करके मथुरा पहुंचे, यही संदेश लेकर के महाराज कंस का आया। अक्रूर जी की बात सुनकर के नंद बाबा थोड़ा सा विचलित हुए, लेकिन नंद बाबा ने सोचा कि मैं बात करूं अक्रूर से,
बोले हमारे बेटे तो एकदम छोटे हैं, 7-7 वर्ष की आयु है इनकी, कृष्ण और बलराम बालक हैं, और कहीं निमंत्रण हो कहीं भोज हो तो उसमें तो बड़ों को बुलाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों का कोई काम ही नहीं है उनका, तो हमारे बच्चों को वहां बुलाने का क्या अभिप्राय है हमें समझ में नहीं आ रहा। यदि महाराज कंस का आदेश है, उनका यज्ञ है, तो यज्ञ में हम समस्त मथुरावासी अवश्य पधारेंगे, लेकिन मेरे छोटे छोटे इन बच्चों को बुलाने का मतलब क्या हुआ? अक्रूर जी पहले तो बार बार समझाते रहे, लेकिन जब नंद बाबा कृष्ण और बलराम को भेजने के लिए तैयार नहीं हुए, अक्रूर जी समझ गए कि नंद बाबा कृष्ण बलराम को नहीं भेजेंगे, अब कंस का आदेश था कि कुछ भी हो जाए कृष्ण और बलराम दोनों आने चाहिए यज्ञ में, दोनों को लेके आना है। तब अक्रूर जी ने अंत में नंद बाबा से कहा कि महाराज आपको एक बात बताऊं, आप शायद इस बात से अनभिज्ञ होंगे, आपकी जानकारी में ना होगा, आप जिस कृष्ण को अपना पुत्र समझ करके आप 11 वर्ष से आप पालन कर रहे हो, ये कृष्ण आपका पुत्र नहीं है, ये देवकी और वसुदेव के द्वारा गर्भ में अवतरित हुआ था, गर्भ में इसका जन्म हुआ, और भाद्रपद की अष्टमी की रात्रि, जिस रात्रि जिस सुबह से पूर्व की रात्रि में ये बालक तुम्हें प्राप्त हुआ, अष्टमी की रात्रि में वसुदेव इसे पालने में लेकर के कारागृह से और तुम्हारे महल तक स्वयं छोड़ने के लिए आए थे वसुदेव जी, ये बात केवल मैं जानता हूं और वसुदेव देव की तीन के अलावा कोई नहीं जानता। कंस को भी संदेह हो गया है कि कंस को मारने वाला देवकी और वसुदेव का आठवां गर्भ जो है तुम्हारा कृष्ण है, ये संदेह कंस को हो गया। कंस ने अनेकों अनेक योद्धाओं को भेजा, अनेकों वीरों को भेजा युद्ध में, सबको तुम्हारे इस पुत्र ने मारा, तुम्हारा जो तुम्हारे द्वारा जो पाला गया, तुम्हारे द्वारा जो सेवित, जो तुमने जिसकी 11 वर्षों तक सेवा करी, ये तुम्हारा बालक नंदर, ये सौदा का जो बालक तुम्हारा वसुदेव देवकी के द्वारा जो जन्मा हुआ बालक है, इस पे तुम्हारा बस इतना ही अधिकार था, अब तुम इसे मथुरा जाने के लिए अनुमति दो, और यदि आपने ऐसा नहीं किया, यदि आप रोकते भी हैं कृष्ण बलराम को मथुरा जाने से, तो ये भी हो सकता है कि स्वयं महाराज कंस की सेना आए यहाँ और सेना आपसे युद्ध करके जबरन यहाँ से कृष्ण और बलराम को लेकर के जाए, क्योंकि ये आपके पुत्र हैं ही नहीं। नंद और यशोदा दोनों ने जब इस बात को सुना, और भी ब्रजवासी थे 2-4, क्योंकि अगल बगल वाले जो थे वो सब इकट्ठे हो गए थे, अक्रूर जी आए हैं, क्यों आए हैं, मथुरा से रथ आया हुआ है, किस लिए आया है। जब ये बात वहां पे एकत्रित जो लोग थे उन लोगों ने सुना कि कृष्ण और बलराम देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, यशोदा ने जब सुना कि मेरा पुत्र नहीं है कृष्ण, तो यशोदा जी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। यशोदा जी अभी तक घूंघट देकर के अंदर थी, दीवार के पीछे खड़ी थी दरवाजे के, लेकिन सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए यशोदा मैया बाहर आ गई है, जहां नंद और वसुदेव, नंद और अक्रूर बात कर रहे थे, और वहां आकर के यशोदा मैया ने कहा कि अक्रूर जी आपने क्या कहा, आपको ये कहते हुए आपकी जीवा आपका कैसे साथ दे रही है, आपने कैसे बोल दिया कि कृष्ण और बलराम, कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, मैंने 10 वर्ष इसकी सेवा की है, मैंने अपना एक एक बूंद अपने रक्त का, मैंने इस मेरे शरीर का, इसके शरीर में एक एक बूंद समाहित है, और मैंने इसे अपनी पलकों में बिठा करके मैंने 11 वर्ष तक इसका पालन किया है, तुम कहते हो ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा सर्वस्व है, मेरा जीवन है, पुत्र ही नहीं, ये मेरी श्वास है, मेरा प्राण है, यदि तुम इसे लेकर के गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरी श्वासें बंद हो जाएंगी, क्योंकि कृष्ण के बिना मैंने जीना नहीं सीखा है, जब से कृष्ण मेरे जीवन में आया कृष्ण ही मेरा जीवन है, कृष्ण ही मेरा प्राण है।
उद्धव जी अक्रूर जी की बोलती बंद हो गई। अक्रूर जी ने इतना यशोदा मैया का एक करुण रूप देखा तो अक्रूर जी चुप हो गए, नीचे से कर लिए। लेकिन नंद बाबा ने अक्रूर जी को समझाया, यशोदा मैया को भी समझाते हुए नंद बाबा, अरे बोले देवी तुम रुको मैं बात करता हूं। अक्रूर जी को बार बार नंद बाबा समझा रहे हैं कि 11 वर्ष के बाद आप हमें ये कहने के लिए आए हैं कि ये मेरा नहीं, ये वसुदेव और देवकी का पुत्र है। अक्रूर जी ने कहा महाराज याद करें आप, आज जो भी दास दासियां थी, जो भी सेवक सेविकाएं थी, यशोदा जी के महल में अष्टमी की रात्रि में किसी ने जन्म होते हुए यदि बालक को देखा हो तो मुझे आप बताइए। यशोदा मैया की ओर नंद बाबा ने देखा, यशोदा जी की ओर देखा तो यशोदा जी के आंखों से अश्रु, बात जो हो रहे थे उनकी गति तेज हो गई, जोर जोर से आंसू बहने लग गए। नंद बाबा समझ गए कि जिसको जिसके गर्भ से ये बालक जन्म लिया है, मैं जिसको इसकी मां समझ रहा था वो यशोदा ही नहीं जानती है कि कब ये बालक जन्मा है, तो बाकी की बात मैं क्या करूं। ऐसा तो आज तक हुआ नहीं कि बालक जन्म ले ले और मां को पता ना चले, दास दासियों को सेवक सेविकाओं को पता ना चले, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। नंद बाबा भी समझ गए अक्रूर जी की बात में सच्चाई है, लेकिन यशोदा विलाप कर रही है, रो रही है, रुदन कर रही है। नंद बाबा समझाते हैं, देवी 11 वर्ष कान्हा हमारे पास था और शायद अब जो है बिछोह लिखा है हमारे नसीब में, वियोग लिखा हुआ है, अब हम रोक करके भी ना रोक पाएंगे, क्योंकि नंद बाबा कहते हैं कि आज 4 दिनों से हमारी बाई आंख बाया हाथ मेरे बाई अंग फड़क रहे थे, तभी मुझे संदेह हो रहा था कि जरूर कोई घटना घटने वाली है, जरूर कोई अशुभ घटना घटने वाली है, और आज अक्रूर जी ऐसे दुखद समाचार लेकर के आए। पूरी रात्रि बीत गई, सबके सब जागते रहे और रातों रात खबर पूरे वृंदावन में पहुंच गई, पूरे गोकुल नंदगांव वृंदावन सब जगह खबर पहुंच गई रातों रात कि कृष्ण को लेने के लिए, बलराम कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी मथुरा से आए हुए हैं। जितने ब्रजवासी थे सबके सब आ गए बाहर आकर के, कन्हैया के जो बाल सखा थे सबके सब, बूढ़े वृद्ध जवान सब आकर के बाहर नंद महल के बाहर खड़े हो गए, भीड़ मच गई नंद महल के बाहर और सब एक दूसरे से बात करते हैं, क्या सचमुच में कृष्ण हमें छोड़ के चला जाएगा। कुछ ब्रजवासी जिनको कान्हा पे बहुत भरोसा था, बहुत प्रेम था, जिनके लिए कान्हा ही सब कुछ था, ऐसे कुछ जो ब्रजवासी थे उन्हें विश्वास है कि कान्हा हमें छोड़ करके नहीं जाएगा। एक ने कहा कि हमें तो लगता है कान्हा छोड़ करके चला जाएगा, दूसरा जो एकदम छोटा सा 9 वर्ष का ब्रजवासी था उसे पूर्ण भरोसा था, क्योंकि कान्हा जब जब गैया चराने जाते थे तो हर रोज कान्हा उसके रोटी में से, उसके कलेबा में से एक निवाला तोड़ करके हर रोज खाते थे, और उसको याद आया कि कान्हा जब जब मुझसे रोटी का टुकड़ा मांगता था तो कान्हा से मेरी रोज नजरें मिलती थी, तो रोटी का टुकड़ा देते देते कान्हा मुझे देखता था, जो विश्वास मुझे कान्हा की आंखों में दिखता था उसे देख करके तो वो ग्वाला कहता है कि नहीं कान्हा में छोड़ करके कभी नहीं जा सकता, कान्हा छोड़ के जा ही नहीं सकता है। आपस में सभी छोटे छोटे ग्वाल वाला चर्चा करते हैं, धनसुखा नाम का जो सखा है, कभी भगवान ने उसका माखन, कभी उसका दही, उसने याद किया, बोला मुझे छोड़ करके तो कान्हा जा ही नहीं सकता,
तुम सबको मालूम होगा एक बार जब मैं मेरे घर में कुछ नहीं था, कान्हा ने कहा आज तुम्हारे घर का ही खाऊंगा, तो मैं दौड़े दौड़े गया था और घर से बासी छांछ लेकर के आया था। पर मैंने फिर सोचा कि मेरा कान्हा बीमार हो जाएगा बासी छांछ पी करके, तो मैं सारी छांछ अकेले ही पीने लग गया था और कान्हा ने देखा तो दौड़े दौड़े आया और मेरे मुंह में मेरे पेट में लगी हुई छांछ को ही चाटने लग गया था। मुझसे कितना प्रेम करता है, मुझे छोड़ करके जा ही नहीं सकता है। सभी ब्रजवासी आपस में चर्चा करते हैं, बूढ़े ब्रजवासी जो हैं वो भी आपस में चर्चा करते हैं कि नहीं कान्हा हमें बहुत मानता है, बड़ा प्रेम है, कभी हम अकेले फंस जाए तो हमारा हाथ पकड़ करके हमें घर तक छोड़ने आता है, हमारे पैर दबाता है, हमें बड़ा प्रेम करता है, हमें छोड़ के नहीं जाएगा। इस तरह सब ब्रजवासी आपस में नंद महल के बाहर खड़े होकर के चर्चा कर रहे हैं। कुछ ब्रजवासियों ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कान्हा को जाने नहीं देंगे, हम सब मिल करके रोकेंगे और हम सब मिल के रोकेंगे तो कान्हा जरूर रुक जाएंगे। जैसे 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 रात्रि व्यतीत होने लग गई, नंद महल के बाहर सारे ब्रजवासी खड़े होकर के जाग करके जागरण करके रात्रि बिता दिए। टकटकी लगा करके नंद महल के दरवाजे की ओर देख रहे हैं कहीं आंखें ना बंद हो जाए कि नंद का लाला निकल जाए और अंदर यशोदा मैया बैठे बैठे रुदन कर रही हैं। मैया ने सोचा कल लाला तो चला जाएगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि कान्हा बहुत बड़ा जिद्दी है, जो इसके मन में आता है वही करता है, कल सुबह होते ही चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। तो कल कान्हा को यात्रा करनी है, विश्राम करा दूं, इसे सुला दूं, नहीं तो नींद न पूरी होगी, तो कल मथुरा में जाएगा तो दिन में इसे निद्रा सताएगी। यशोदा मैया जी ने लाला को सुलाया है और साथ में लोरी गा करके कन्हैया को सुला रही है, जो लोरी रोज गाती है, लोरी गा करके कन्हैया को सुलाया। भगवान सो नहीं रहे हैं, इतना दुख है ब्रजवासियों के जीवन में तो भगवान कैसे सो सकते हैं। सारा ब्रजमंडल आज दुख की यमुना में स्नान कर रहा है, गोते लगा रहा है, ऐसे में भगवान कैसे सो जाएंगे। भगवान ने आंखें बंद करा, आंखें बंद कर लिए तो यशोदा मैया सोचने लग गए कि कान्हा सो गए। ये सोच करके यशोदा जी उठ गई हैं खाट में से और जा करके नंद महल के आंगन में एक खंभा था उस पे जाकर टिक करके यशोदा मैया रोने लग गई, विलाप करने लगी। कन्हैया उठे हैं, मैया की सिसकने की आवाज सुनाई दी, तो कन्हैया उठ करके दौड़ करके गए मैया यशोदा के पास और भगवान अपने पीताम्बरी से आंसू पहुंचने लग गए हैं। अपने पीताम्बरी से भगवान आंसू पहुंचते हैं और बोले मैया तू काहे को रो रही है, क्यों रो रही है। मैया ने कहा लाला तेरे बिना एक दिन भी मैंने नहीं बिताया है, जब से तू हमारे बीच आया है, हमारे जीवन में आया है, एक दिन भी ऐसा ना हुआ हो जब तू हमसे दूर रहा हो। आज 11 वर्ष से ज्यादा हो गया लेकिन कभी भी तूने छोड़ा नहीं हमारा साथ, और सुबह होते ही तू चला जाएगा, इसी शोक में इसी दुख में मैं रो रही हूं। भगवान बोले कि मैया तू चिंता मत कर, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूं, 2-4 दिन मैं रहूंगा मथुरा में और घूम भाग करके फिर वापस आ जाऊंगा। मैया यशोदा ने कहा लाला तू 4 दिन के लिए चला जाए, 5 दिन के लिए चला जाए, इस बात का इतना दुख नहीं है, लेकिन अक्रूर जी ने कहा कि तू देवकी और वसुदेव का पुत्र है, इस बात का ज्यादा दुख है, कहीं मथुरा जाकर के तू इस मां को भूल गया तो क्या करूंगी मैं। अगर तू वहां के चहल पहल में शहर में जाकर के वहां के लोगों के भीड़ भाड़ में जाकर और मुझे भूल गया तो मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना, कैसे जी पाऊंगी।
क्योंकि तुझे तो बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत जान पहचान वाले वहां मिल जाएंगे, लेकिन मेरा तो तू ही है, मेरे जीवन में तेरे अलावा और कोई नहीं। तुझे छोड़ करके और कोई ऐसा नहीं जो मुझे सुख दे सके, मुझे सुकून दे सके। तुझे देख करके ही मेरे कलेजे को ठंडक मिलती है, और तू अगर वहां जाकर के शहर की चकाचौंध में गुम हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। भगवान ने कहा, मैया तू कुछ भी मत बोल, तू चिंता मत कर, मुझे कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन मैं तो एक ही बात जानता हूं कि मैं देवकी और वसुदेव का नहीं बल्कि नंद और यशोदा का लाला हूं, और हमेशा तुम्हारा लाला ही रहूंगा। ऐसा भगवान ने कहा। रात्रि व्यतीत हो गई, सुबह भगवान स्नान किए हैं, मैया भगवान को सजा रही है, आंखों में काजल लगाया, भगवान के गले में वैजयंती का माला, पीतांबरी भगवान के गले में डाल दिया, मैया ने मोर पंख का मुकुट बांध लिया, और भगवान को मैया सजा रही है, और साथ में मैया ने माखन मिश्री कुछ बांध करके रखा था कन्हैया के लिए, माखन मिश्री से बंधी हुई जो पोटली थी मैया यशोदा लेकर के आई है कन्हैया को देने के लिए। जैसे आप लोग गांव से आते हो तो आपके हमारे माता पिता, बूढ़ी माँ जो होती है गांव में, तरह तरह की व्यंजन बनाती है। मैंने बहुत माताओं को देखा जो गांव में गाय होती है, भैंस होती है, उनका दूध बेच बेच करके घर चलाने वाली माताओं को देखा। जब कोई हमारा पड़ोसी आता है और मां को पता चलता है कि मेरे बेटे के पास में कोई जा रहा है, तो चार चार दिन पहले से मां थोड़ा थोड़ा दूध बचा करके, खोवा बना बना करके, मिठाइयां बच्चे के लिए माँ मिठाई बना करके अपने हाथों से भेजती है, और बेटे से बात करने के लिए फोन लगाती है। हम लोग शहर में इतना यहां आकर के इतना खो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो माँ फोन लगाती है, बार बार बात करना चाहती है कि हमने जो भेजा मिठाई वो हमारे बच्चे को मिली या नहीं मिली, बस इतना जानना चाहती है, इतना उसे पता चल जाए कि हमारे द्वारा भेजी हुई मिठाई मेरे बच्चे को मिल गई है, बस इतना पता चल जाए, इतने में ही खुश हो जाती है कि चलो बेटा मैंने जो तुम्हारे लिए भेजा वो मीठा तुम्हें मिल गया, वो मिठाई मिल गई। आज ये यशोदा मैया कान्हा के लिए, उन्हें पता है कि कान्हा को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, ये यशोदा जी अपने हाथों से माखन की पोटली बांधती हैं, और कन्हैया के हाथ में माखन की पोटली पकड़ाते हुए मैया ने कहा, लाला रास्ते में कहीं भूख लगे तो तू इसे खोल करके खा लेना, क्योंकि मथुरा तो दूर है यहां से, मथुरा जाने में घंटों का समय लग जाएगा, और तुझे तो आदत है, तू हर घंटे तुझे भूख लगती है, कुछ ना कुछ मांगता रहता है मेरे पास आके, मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है, और रास्ते में तो मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, तू गैया चराने जाता है तो ग्वाल बाला तेरे साथ रहते हैं, कलेवा लेके जाते हैं, आज ग्वाला वाला भी ना रहेंगे,
तुझे भूख लगेगी तो तू क्या खाएगा, तुझे जब भूख लगे तो तू यही माखन मिश्री खा लेना। मैया ने बांध करके पोटली कन्हैया के हाथ में दिया, कन्हैया एक हाथ में मैया की पोटली लिए हैं माखन मिश्री की, दूसरे हाथ में भगवान मुरली लेकर के जैसे भगवान रथ की ओर चले हैं, सभी को प्रणाम किया है ठाकुर जी ने, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके। अक्रूर जी पहले से रथ पर विराजमान है, बैठे हुए हैं। जैसे भगवान रथ की ओर बढ़े और एक ही पैर भगवान ने रथ में रखा था, ये यशोदा मैया ने देखा कि आज सचमुच में कृष्ण जा रहा है। सचमुच में चला जाएगा, मैंने तो सोचा था कि कान्हा हमें इतना प्रेम करता है कि जाते जाते अक्रूर जी को बोल देगा कि चाचा हम यशोदा मैया को छोड़ करके हमें कहीं नहीं जाना है। लेकिन यशोदा जी ने देखा कि क्या सचमुच कृष्ण हमें छोड़ के चला जाएगा। कान्हा ने एक पैर रख दिया रथ के ऊपर और दूसरा पैर जैसे भगवान रथ की ओर उठाते हैं रखने के लिए, तो यशोदा जी कन्हैया कन्हैया कह करके दौड़ पड़ी है और दौड़ करके मैया रथ की ओर दौड़ी। माँ को ठोकर लगी और माँ जमीन पर मूर्छित होकर के गिर गई। कन्हैया कन्हैया कह करके मूर्छित होकर के जमीन में गिर जाती है। भगवान घूम करके देखे तो रथ में से भगवान कूद पड़े हैं और दौड़ करके भगवान आए, यशोदा माँ को उठा लिए और भगवान बलराम जी से बोले दाऊ पानी लेके आओ। दाऊ जी दौड़ करके गए हैं, पानी लेकर के आए हैं। मैया की आंखों में भगवान ने छींटा मारा जल का और माँ ने आंख खोली। कन्हैया की गोद में माँ का सिर था। 11 वर्ष के कन्हैया बोले माँ तू ऐसा करेगी तो मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि इस भूमि पर मेरा दुष्टों के संहार के लिए अवतार हुआ है, भक्तों के परित्राण के लिए मेरा अवतार हुआ है। यदि तू मुझे रोकेगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तू इतना विलाप करेगी, मुझे इस तरह जाते हुए देखकर इतना दुखी होगी तो मैं कैसे जाऊंगा छोड़कर। भगवान ने मैया यशोदा को समझाया है। कुछ गोपियां आई हैं, माँ को भगवान ने गोपियों के हवाले किया और पुनः भगवान रथ की ओर चले दिए हैं। ऐसे भगवान रथ की ओर बढ़े, इस बार भगवान रथ पर चढ़ गए। भगवान की नजर जब गौशाला की ओर बंधी हुई गायों पर पड़ी, छोटे छोटे बछड़े गौशाला में बंधे हुए, गौशाला में बंधी हुई गाय
कान्हा को देख करके गायों के आंखों से भी अश्रुपात हो रहा है। छोटे छोटे बछड़े जो खुले हुए हैं कान्हा के रथ की ओर दौड़ पड़े, मानो कह रहे हो कि कान्हा तुम यदि हमें छोड़ करके चले जाओगे तो कल से हमें कौन ले जाएगा वृंदावन में चराने के लिए। हमारे शरीर में लगी हुई मिट्टी को कौन पोंछेगा। हमारे बदन में लगी हुई धूल कौन पोंछेगा। तुम चले जाओगे तो हमें पानी पिलाने कौन ले जाएगा जमुना जी में। कान्हा की नजर वृक्ष में बैठे हुए बंदरों में पड़ी। कान्हा ने देखा कि पेड़ में बैठे हुए जो बंदर हैं वो भी विलाप कर रहे हैं, वो भी मानो कह रहे हो कि कान्हा तुम चले जाओगे तो हमें माखन कौन खिलाएगा, हम तो भूखे ही रह जाएंगे, हमें माखन कौन खिलाएगा। तुम ही एक पूरे वृंदावन में थे जिन्हें पशुओं की भी फिक्र थी, पक्षियों की भी फिक्र थी, बाकी तो कोई ऐसा नहीं है कि जो हमें माखन खिलाए। पत्थर मारने के लिए हमें बहुत आ जाएंगे लेकिन माखन खिलाने वाले कोई नहीं। भगवान रथ में बैठ गए हैं क्योंकि भगवान अवतरित हुए हैं भूमि का भार हरण करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। भगवान रथ पर विराजमान हो गए, आगे जैसे बढ़े हैं भगवान ने देखा कि पूरे मार्ग में गोपियां हजारों की तादाद में लेटी हुई हैं रास्ते पर, मार्ग में गोपियां सोई हैं। और कान्हा के लिए गोपियां कहती हैं कि गोविंद यदि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन आज तुम्हें रथ हमारे ऊपर चढ़ा करके जाना होगा, हमारा मरना तो निश्चित है, हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे, हमारा मरना निश्चित है, हम तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प करके मरे, उससे अच्छा है कि आज तुम हमें मार करके जाओ, तुम हमारे ऊपर रथ चढ़ा दो और हमें कुचल करके चले जाओ। भगवान गोपियों से बोले, गोपियों परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान गोपियों से कहते हैं कि मैं दुष्टों के संहार के लिए और संतों के परित्राण के लिए भूमि पर अवतरित तो होता हूँ। अभी तक मैंने पहला काम किया है, तुम्हारे साथ मैंने 11 वर्ष 56 दिन बिताए हैं, अब मेरा दूसरा काम है, मुझे दुष्टों का संहार करना है, इसलिए मुझे जाने दो, आज रोको मत। आज मुझे अगर तुम लोगों ने रोक दिया तो मेरा दूसरा महत्वपूर्ण काम रह जाएगा, इसलिए मुझे जाने दो, रोको मत। भगवान जब जाने लग गए गोपियां रास्ता छोड़ देती हैं, क्योंकि भगवान जिसको उपदेश देना चाहे कोई भी हो उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। सोई जानी जही देव जनाई सोई जा
भगवान गोपियों को उपदेश दिए। गोपी आकाश मंडल की ओर देखते हुए और भगवान को शिकायत कर रही हैं कि हे विधाता, तुझे जरा भी दया नहीं आई। यदि ऐसे ही करना था, कृष्ण के वियोग में हमें मारना ही था, तो तूने क्यों कृष्ण को हमारे जीवन में लाया। भगवान का रथ चलने लग गया मथुरा की ओर और गोपियां रास्ते में खड़ी होकर के भगवान को देख रही हैं। भगवान को देखती जा रही हैं, भगवान का रथ जा रहा है। भगवान एक बार चले गए तो भी दोबारा लौट करके नहीं आए। वृंदावन गोपियां विलाप करके एक ही बात बोलती हैं, कान्हा को याद करके, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, एक दिन मेरे घर आए थे श्याम सुंदर, मैंने उस दिन बहुत बड़ी भूल कर दी। एक दिन आपकी बात सखी ओ श्याम लला मेरे घर, मैंने समझो ब्रज को सखा धीरे से घूंघट शहर का, इतने में वो चलो गयो, एक सखी ने मुहिया ने बतायो, ला आगी लगी मेरी घूंघट में अकेला भर श्याम में देखी न पायो, अकेला भर श्याम में देख न पायो, थक गए नैन मेरे लगता निहार के, थक गए नैन मेरे लगता निहार के, झूठे हुए काना तेरे बाजे जान के,
तरसाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक तरसाएगा। मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच गए गंगा प्रवाहित होती है। इतना गोपियां भगवान के विरह में रोई हैं कि पूरे वृंदावन का पानी आज भी खा रहा है। जब हम रोते हैं तो हमारे आंख से आंसू बहते हैं और वो आंसू खारे होते हैं। गोपियां कान्हा के याद में रोती हैं तो खारे खारे आंसू पूरे वृंदावन में जहां जहां गोपियां बैठ के रोई हैं कान्हा को याद करके, सब जगह का खारा पानी। बोलो राधे राधे। आप सभी को मालूम है कान्हा आगे जब जाते हैं क्रूर जी को दर्शन देते हैं भगवान के जाने के बाद मैया यशोदा के आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। कान्हा की याद में मैया रो रो करके आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, क्योंकि उम्र बहुत हो गई थी। कन्हैया के जाने के बाद माँ यशोदा को दिखना बंद हो जाता है आप विचार करो कान्हा से कितना प्रेम होगा मैया यशोदा को,
जिसकी याद में माँ ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, जिसके बिरह में लो लो करके मैया ने आंख अपनी जो है रोशनी खत्म कर दी, मैया को अब दिखाई नहीं देता है। कहीं से कोई आहट आती है, घर के ऊपर आकर के कौवा बैठता है, बिल्ली कहीं से जाती है, कोई वस्तु को धक्का दे करके गिर जाए, जैसे खटखट की आवाज आती है तो मैया यशोदा लाला आया कह करके दौड़ती हैं। और जो यशोदा मैया नंद महल की शान थी, हजारों मेहमान आ जाएं, लेकिन सबकी व्यवस्था जो मैया करती थी, आज वही माँ जब लाला आया कह करके खड़ी होती है तो अंधी हैं, दीवारों से टकराती हैं तो गिर जाती हैं, फिर उठती हैं, दौड़ती हैं, फिर गिर जाती हैं। नंद बाबा कहते हैं कि माँ यदि यशोदा तू कैसी माँ है, बहुत माँ देखा मैंने लेकिन तेरी जैसी माँ नहीं देखा। अब तुझे पता है कि कृष्ण तो मथुरा चला गया, बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना है उसका, अब उसके लिए तो क्यों रोती है, क्यों अपना समय बर्बाद करती है। यशोदा मैया कहती हैं कि मैं बहुत कोशिश करती हूं खुद को रोक लूं, खुद को समझा लूं, लेकिन जब जब कन्हैया की याद आती है, कितना मैंने प्रयास किया कि भूल जाऊं मैं उसे, लेकिन मेरे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, मैं ना चाहते हुए भी नहीं रोक पाती, उसके याद में रोती हूं मैं। और नंद बाबा से कहती है यशोदा कि आप क्यों मुझे रोकते हैं, कृष्ण की याद में मुझे रोने दीजिए, क्योंकि कृष्ण के लिए अब मेरे जीवन में ये आंसू ही हैं जो उससे जोड़ करके रखेंगे मुझे, ये मेरे आंसू ही हैं जो उससे जोड़ करके रखते हैं उसके याद में, उसकी याद को गीला करते हैं, ताजा करते हैं, हरा भरा कर देते हैं, इसलिए आप मुझे रोके मत, मैं जितना रोती हूँ मुझे रोने दे, आप रोकिए मत मुझे, इन आंसुओं के माध्यम से मेरा कान्हा के चरणों में प्रेम और बढ़ जाता है। मैया यशोदा का जीवन अब ऐसे बाकी का जीवन जो था आगे कथा आती है, जब भगवान को इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना था, भगवान ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ रखवाया और उस यज्ञ में वृंदावन वासियों को भी भगवान ने आमंत्रित किया, सभी गोपियां आती हैं, राधा रानी आती हैं। एक दिन धनंजय जी बोल रहे थे कि हमने कहीं जो है पढ़ा नहीं, कहीं सुना नहीं कि भगवान जब मथुरा छोड़ के गए, वृंदावन छोड़ के गए, तो दोबारा फिर कभी गोपियों से मिले या राधा रानी से या यशोदा जी से। एक बार भगवान मिलते हैं, भागवत में कथा आगे आती है, मैं हमेशा जो है इस कथा को छोड़ दिया करता था, सुना नहीं पाता था क्योंकि समय का अभाव, पर एक कथा ऐसी आती है कि जब सभी ब्रजवासियों को भगवान यज्ञ में निमंत्रण देते हैं और सभी ब्रजवासी वहां आते हैं और कान्हा जिस शिविर में रुके हुए हैं, तो सुंदर गुंबद वाला शिविर बना हुआ है, दास दासियां बाहर खड़े हैं, अंदर खड़े हैं, सेवा में लगे हुए हैं, और वहीं भीड़ भाड़ में किसी कुटिया में यशोदा मैया भी ठहरी हुई है आकर के। जो मैया यशोदा जिसका दर्शन करके, जिसकी गोदी में बैठकर
जिसका स्तनपान करके ठाकुर की सुबह होती थी, आज वो सार्वजनिक कुटिया में पड़ी हुई है। गोपियों के बीच में, ग्वाल बालों के बीच में सब हाथ पकड़ करके लेके आए हैं। यशोदा जी को कुटिया में ठहरा दिया है। अरे भगवान को यकीन नहीं था कि यशोदा जी भी आई होंगी, मैया यशोदा आई होगी। भगवान ने सोचा मैया की तो उम्र बहुत हो गई, वो ना आएगी अब। और मैया यशोदा ने किसी ग्वाला से पूछा, कन्हैया ने निमंत्रण दिया था तो स्वयं कन्हैया भी आया होगा इसमें, क्योंकि उसका यज्ञ हो रहा है, उसने सबको बुलाया है। उस ग्वाला ने बताया, हाँ कन्हैया आया है और अब वो कन्हैया पहले वाला कन्हैया नहीं है, अब वो द्वारिका का राजा बन गया, द्वारिका का राजा है। हमारे साथ जो नंगे पांव ढोला करता था वो नहीं रहा, अब उसके तो पास तक हम अब उसके पास तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं मैया। हम उसको आते जाते शिविर के बाहर से ही देखते हैं, बड़ी भीड़ भाड़ है उसके पास। अब ऐसा लगता है कि अब तो कन्हैया हमें पूछेगा भी नहीं, हमसे मिलेगा भी नहीं, और शायद कभी हमारे नजरों के करीब आएगा भी नहीं। मैया यशोदा को जब पता चला कि कन्हैया है यहाँ, इसी भीड़ भाड़ में कन्हैया का भी शिविर बना हुआ है, कन्हैया का नाम सुनते ही मैया यशोदा, अंधी माँ जो है जिसकी आंखें नहीं है, उठ करके दौड़ पड़े हैं। माँ का हाथ पकड़ करके ग्वाला ने हाथ पकड़ के कन्हैया के शिविर की ओर दिखा दिया, बोला इसी शिविर में, इधर ही कन्हैया है। और जिधर उसने हाथ पकड़ के दिखाया उसी ओर मैया यशोदा दौड़े दौड़े जा रही हैं। कन्हैया कन्हैया कह करके मैया दौड़ने लग गई, कनुआ कनुआ। और भगवान के कानों में जब यशोदा मैया के शब्द पड़े हैं तो यशोदा शिविर में से निकल करके कन्हैया जो है माँ की तरफ दौड़ पड़े, और कन्हैया के पास पहुंचते पहुंचते यशोदा जी को ठोकर लग जाती है तो यशोदा जी भी गिर जाती हैं। और जब यशोदा जी को गिरा हुआ देखा तो कन्हैया भी यशोदा के साथ गिर जाते हैं, यशोदा जी के चरणों में भगवान गिर जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा जब माँ से रुष्ट हो जाता है तो माँ के सिर की ओर पैर कर लेता है, नाराज होता है, माँ की सिर की ओर पैर हो जाता है और पैर की ओर सिर कर लेता है माँ से गुस्सा होकर के। आज भगवान गिरे हैं तो वही कुछ नजारा है, यशोदा माँ की पैरों की तरफ भगवान के सिर हैं, और भक्त और भगवान का मिलन देखिए। भगवान अपनी माँ के चरणों में गिरे तो भगवान का सिर माँ के चरण में है, और मैया भी अब समझ गई है कि कन्हैया मेरा पुत्र मात्र नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी
लीलाएं कर दिया, इतने बड़े बड़े महाभारत जैसे युद्ध को अंजाम दे दिया, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों को जिसने मरवाया, अब वो मेरा बेटा भर नहीं है। मैया भी समझ गई, तो मैया के सिर के नीचे कन्हैया का पैर है और कन्हैया के सिर के नीचे माँ का पैर है। भक्त और भगवान का मिलन, ईश्वर और जीव का मिलन यहाँ पर होता है। ऐसे वृंदावन की परिस्थिति, वृंदावन की दशा, ब्रजवासी भगवान की याद में विरह में रोते रोते अपना सारा जीवन व्यतीत। माँ जो प्रेम दे सकती है बच्चे को, बच्चा कभी माँ को, माँ का कर्ज कभी बच्चा उतार नहीं सकता है, कितना भी कर ले, लेकिन कोई भी माई का लाल माँ का कर्ज नहीं उतार सकता। चाहे जितना पैसा कमा ले, चाहे जितना माँ के लिए साड़ियां खरीद करके दे दे, लेकिन माँ का जो कर्ज है और सांसारिक वस्तुओं से उतारा नहीं जा सकता, कभी कभी भी नहीं उतारा जा सकता। कोई माँ का लाल उतार नहीं सकता माँ का कर्ज। एक बात मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी माँ की कथा है, एक माँ और बेटे की। एक बेटे ने कहा कि माँ मैं तुम्हारा कर्जा उतारूंगा, तुमने मेरी सेवा की है, तुमने मुझे जीवन दिया है, और मैं भी शादी नहीं करूंगा, तुम्हारी सेवा करके मेरा जीवन व्यतीत करूंगा, मैं तुम्हारे कर्ज को उतारूंगा। उसकी माँ बार बार समझाती, बेटा तू कर्ज नहीं उतार सकता है, संसार में कोई ऐसा बेटा नहीं जो माँ का कर्ज उतारे, तो समय ना बर्बाद कर, तो ऐसा कर शादी कर ले। वो बेटा बोला, नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं बिना शादी करके तुम्हारी सेवा, बगैर शादी के सेवा करूंगा जीवन। एक दिन की बात है, माँ परीक्षा देने के लिए बेटे की, यही ठंडी का समय था, गांव की ठंडी में बेटा रजाई जोड़ करके सोया हुआ था। माँ ने जाकर के बेटे के ऊपर एक लोटा पानी डाल दिया। जैसे बेटे के ऊपर ठंडी में पानी डाला, जनवरी के महीने में, माघ महीने में, बेटा उठ करके खड़ा हो गया, माँ क्या कर रही हो, पानी डाल रही हो ठंडा पानी मेरे ऊपर, मुझे ठंडी हो जाएगी। सूखे कपड़े से माँ ने पोंछ दिया, उसे साफ कर दिया, और फिर जो है बेटा सो गया, दूसरी रजाई ओढ़ करके फिर सो गया। माँ ने फिर एक लोटा पानी लिया थोड़ी देर बाद, और फिर बेटे के ऊपर जाकर के डाल दिया। बेटा उठ करके बोला, माँ ये तू क्या कर रही है, क्यों पानी डाल रही है बार बार। और तीसरी बार जब माँ ने पानी डाला बेटे के ऊपर, तो वही बेटा जो आजीवन सेवा करने के लिए माँ की प्रतिज्ञाबद्ध था, उसने माँ को डांट करके फटकार करके बोला, माँ तू पागल हो गई है, आधी रात को मेरे ऊपर पानी डाल रही है। माँ के आंखों में आंसू आ गए, और माँ ने कहा, बेटा दो लोटा पानी डाल दिया मैंने तेरे ऊपर, तो गुस्सा हो गया, दो लोटे पानी में तुझे गुस्सा आ गया, तो याद कर जब तू पैदा हुआ तो कितनी पीड़ा हुई है मुझे, कितनी पीड़ा मैंने सही है, वो पीड़ा एक माँ ही जान सकती है, वो दर्द को एक माँ ही महसूस कर सकती है, कितनी पीड़ा हुई। और पैदा होते ही उसके बाद ऐसी कोई रात नहीं हुई होगी, ऐसा कोई दिन ना हुआ होगा जब तूने मेरा वस्त्र गीला ना किया होगा, जब तू मेरा चद्दर गीला ना किया होगा। मैंने हर रात तुझे मेरी साड़ी का पल्लू पलट पलट करके, ढूंढ ढूंढ करके साड़ी का पल्लू तेरे नीचे करती थी, कि कहीं सूखा हो तो मैं बेटे के नीचे कर दूं, और गीले वाले को मैं अपने शरीर में लपेट लेती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, पूरी रात तेरे नीचे मैं साड़ी का पल्लू, सूखा पल्लू ढूंढती थी, कि कोई कोना बचा हो जो गीला ना हुआ हो तो उसको मैं मेरे बेटे के नीचे कर दूं। और आज तो दो लोटा पानी में मुझे गुस्सा कर रहा है, मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है। बेटा माँ के चरणों में गिर गया और बोला कि माँ सचमुच में कोई माँ की
सेवा कर ही नहीं सकता, कोई माँ का कर्ज उतार ही नहीं सकता। आज आप लोग मेरी बात यहां से आप सुने, जिनके भी माता पिता जिंदा हैं। एक लड़की ने एक दिन कहा कि यदि बेटी को माता पिता को रखने का नियम बन जाए, कानून बन जाए, तो कोई भी माता पिता अनाथ नहीं रहेंगे। तो एक लड़के ने उसको जवाब दिया कि यदि हर बेटी सास ससुर को ही अपना माता पिता समझ ले तो भी कोई माता पिता अनाथ नहीं होंगे। सारी धरती में जितने अनाथ हैं, सब जितने सास ससुर हैं, यदि हर बेटी है, उनको ही अपना माता पिता समझने लग जाए तो कैसे कोई माता पिता अनाथ होंगे। आप को मेरा ये संदेश है, जितने भी लोग हैं जो माँ बाप के पास में हैं, आज के बाद उनकी सेवा करो, क्योंकि चार दिन की जिंदगी है और जब चले जाएंगे तब तुम्हें याद आएगी। जिनके नहीं हैं उनको पता है उनकी कीमत, जिनके पास में हैं उन्हें नहीं पता है, जिनके नहीं है उनको पता है, उनसे पूछो जा करके। आज हम बहुत याद करते हैं अपने दादा दादी को, पर हम कितना भी याद कर लें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन वो मिलेंगे नहीं हमको दोबारा। जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमारे दिल की धड़कन जो है तेज हो जाती है, पर क्या उनका दर्शन होगा कभी, क्या वो मिलेंगे कभी, नहीं मिलेंगे। एक बार जो चले गए वो दोबारा लौट करके नहीं आते हैं, इसलिए घर घर भगवान स्वयं नहीं जा सकते हैं, इसलिए भगवान ने हर घर में माता पिता को अपने जगह पर भगवान ने बैठाया हुआ है। और आप ये ना सोचें कि आप जो है कर रहे हैं माता पिता की सेवा, कल आप भी उसी गद्दी में बैठने वाले हैं जहां आज आपके माता पिता बैठे हुए हैं। और यदि आपने अपने माता पिता को ठुकराया है तो कल निश्चय ही आप लिख करके रख लो, आपके माता भी आपके बच्चे भी आपको उसी तरह ठुकराएंगे जैसे आप ठुकरा रहे हो। जो बोगे वही उगेगा, और बबूल बोगे तो कांटे लगेंगे, आम का पेड़ लगाओगे तो उसमें आम का फल निकलेगा। इसलिए आप लोग आज मेरी बात मानो, और हर बच्चे से मेरी प्रार्थना है कि अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा दें और उनकी जो है पूजा करें, उनकी सेवा करें। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की। भगवान मथुरा आ गए हैं और हमारे धनंजय जी कुछ सूचना देना चाहते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं मंच पर। राधे राधे। हर चीज का तिथि निश्चित है, आज यहां भगवान का विवाह होना है। मुझे लगा अगर मैं बीच में खड़ा नहीं रहूंगा तो गुरुजी वृंदावन से आगे निकलेंगे नहीं, ये अंदर घुस गए थे। इस विरह को ब्रेक दे करके हम चाहेंगे कि अभी खुशी का माहौल हो, कंस का वध हो, भगवान का विवाह हो। इससे पूर्व हमारे कुछ अतिथि यहाँ आए हैं, मैं उन्हें मंच पर ससम्मान आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि एक बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में, हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो व्यवस्था है, आप सबको लेकर के हैं, वो एक सीमित संसाधन में हम काम करते हैं। लोग बढ़ते गए, कार्यक्रम की रूपरेखा बढ़ता गया, इसी तरह से हमें भेंट स्वरूप कई जगह से मदद भी मिला है, जैसे कमल भाई के माध्यम से संदीप फाउंडेशन से कल एक 10,000 रुपया यहाँ हमको सहयोग मिला था, भेंट के स्वरूप में भेजा गया था। मेरे छोटे भाई हैं मनमोज झा, उन्होंने गांव से कुछ 3500 रुपया या 2500 कुछ ट्रांसफ़र किए हैं, मैं फ़ोन पे बता रहे थे। मेरी बड़ी भाभी हैं रंजू जी, उन्होंने भी 500 भेजा है। मेरा दामाद जी हैं, उन्होंने 5500 रुपया आज भेजा है मेरे दामाद। ये लोग सब
बाहर बाहर हैं जो नहीं आ पा रहे हैं उनका भी भेंट यहाँ आ रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो संस्थागत हमारे साथ जुड़े हैं। श्री रामचरित्र मानस अखंड रामायण प्रचार समिति सहकार नगर, मैं बता दूं गुरु जी की शुरुआती दौर में सहक कथा करने वाले कराने वाले ये लोग आज 11 मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देकर के चाहूँगा कि शिव कुमार गिरी जी, मैं नाम अनाउंस करता हूँ, और आप सब 12 के अलावा भी जो कोई उस समिति से यहाँ आए हैं, आप सब मंच पर उपस्थित होकर के व्यास जी का आशीर्वाद लें। शिव कुमार गिरी जी, राकेश दीक्षित जी, जवाहरलाल यादव जी, अनिल तिवारी जी, बबलू राय जी, श्री रामू मिश्रा जी, श्री अनिल यादव जी, श्री पुजारी यादव जी, सुरेंद्र वर्मा जी, पंकज पांडे जी, अभेश सिंह जी, सुरेंद्र पांडे जी और प्रहलाद यादव जी। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे बहुत स्पेशल मित्र हैं, और इन्होंने शिव कुमार गिरी जी ने, जमहर जी ने ये पूरी टीम को हमारे साथ खड़ा किया है, और कलश यात्रा में इनका लगभग 30 कलश था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इन सभी भाइयों को, और भागवत प्रचार सेवा समिति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब कभी यह रामायण प्रचार समिति का कार्यक्रम करेंगे, भागवत प्रचार समिति इनके साथ आएंगी, और भागवत प्रचार समिति अभी कर रहे हैं तो ये उनको सहयोग कर रहे हैं। ये आदान प्रदान है, मैं अपने मित्र शिव कुमार गिरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इनका मतलब ये संस्था के तरफ से 10,000 रुपया की राशि आ रही है, लेकिन मैं 2,000 का डिमांड करूंगा। गिरी जी मुझे 12,000 रुपया चाहिए, क्योंकि आपने 12 लोग को जोड़ा है, हम हर व्यक्ति में जो कम ज्यादा हो देख लीजिएगा, तो 12,000 रुपया लेकर के इन्होंने इस कार्यक्रम को सहयोग किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को। दीक्षित जी की तरफ से चावल दाल अभी भंडारा का भी शुरुआत हो गया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दीक्षित जी हमारे बड़े भाई हैं, अभिभावक स्वरूप हमारी टीम में रहते हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग शादी तक रुकें, इनको बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो आप जाएं, लेकिन अगर रुक सके तो रुक जाएं। श्री रामू मिश्रा जाए ना, आओ, नहीं नाम में लेने मैंने आपका नाम लिया है मैंने, श्री रामू आइए दो मिनट में। मैं इसी तरह से हमारे सब सहयोगी दहेज मुक्त भारत का नाम सुना होगा आप लोगों ने फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, दहेज मुक्त भारत दो है ये मुझे मालूम नहीं था। दहेज मुक्त भारत के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आनंद जी, उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आनंद जी आइए, आनंद जी चूंकि हमारे छोटे भाई हैं, हमारे समाज के बीच के हैं, लेकिन जो काम अच्छा काम करता है उनको मंच पर सम्मान करना, उनको मंच पर बुलाना हमारी परंपरा है, और हमारे बीच के लोग हैं, लेकिन इन्होंने पूरा देश भर में देश मुक्त के लिए बहुत बड़ा आंदोलन का बीड़ा उठाया, आंदोलन कर रहे हैं। इस दहेज मुक्त भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद झा, जो हमारे समाज का एक बच्चा है, फुलपरा का रहने वाला है, लेकिन ये एक आदरणीय काम कर रहे हैं, मैं इन्हें भी मंच पर बुलाता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि दहेज मुक्त भारत करके एक और संस्था हमारे संपर्क में आए हैं, जो झारखंड सेवा संघ झारखंड में काम करते हैं। दहेज मुक्त भारत झारखंड सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी, मैं मंच पर आपको आमंत्रित करता हूँ। विनोद यादव जी, महेश यादव जी, गिरधारी यादव जी, नकुल झा, सिकंदर यादव जी, विष्णु ठाकुर जी, ये सभी इस संस्था के अध्यक्ष और कार्यकर्ता हैं। इन्होंने मुझसे मिलकर के भागवत प्रचार समिति को सहयोग दिया है, समर्थन दिया है, और दहेज के लिए अच्छा काम करते हैं, इनके लिए मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ। दहेज के विरोध में कोई भी काम करते हैं ये बहुत अच्छा है। आइए अध्यक्ष, मैं सुरेंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा दो शब्द, एकदम कम समय में दो शब्द रखें। गुरु जी राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दहेज मुक्त भारत झारखंड सेवा संघ की ओर से
हमारे पूज्य गुरु जी महाराज और श्रीमद् भागवत कथा के संचालक धनंजय जी, उनके साथी सहयोगी और यहाँ मौजूद तमाम माता बहनें, भाई बंधु, सबको हार्दिक अभिनंदन। समय का अभाव होने की वजह से मैं ज़्यादा आप लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोग के बीच में दो शब्द रखना चाहता हूँ जो दहेज प्रथा के विषय में है। तो दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए आज एक बहुत बड़ा पीड़ा है और बहुत बड़ी उसकी बुराई है। बेटियों को दहेज के वजह से जो सताया जा रहा है, शादी होने के बाद भी अगर दहेज पूरा नहीं होता है तो आप लोग को मालूम होगा, पेपर या टीवी में देखे होंगे कि दहेज नहीं पूरा होने के वजह से बहुत सारी बेटियां जहर ले लेती है, बहुत सारे बेटियां फांसी ले लेती है। इसके लिए दहेज बंद होना चाहिए ताकि बेटियों का कल्याण हो, इन बच्चों का कल्याण हो और हमारे समाज, हमारे गांव का जो विकास हो। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि दहेज बंद होना चाहिए? पूरा समर्थन है। तो इस भागवत के पावन स्थल से आप लोग ये प्रण लीजिए कि आज के बाद हम अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लेंगे। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद देना चाहता हूँ धनंजय झा जी को, जिन्होंने ये भागवत का आयोजन, ये मानव कल्याण के लिए, ये धर्म का प्रचार के लिए जो करते आ रहे हैं, इसलिए इनको हमारी संस्था की ओर से वापस बहुत बहुत बधाई। और मैं गुरु जी से भी एक विनती करूंगा प्रेम पूर्वक कि महाराज जी का बहुत जगह ये आयोजन होता है भागवत का और सारे प्रचार के जो हैं, तो मैं चाहूंगा कि गुरु जी की कृपा हो बेटियों की कल्याण के लिए, ये माता बहनों की कल्याण के लिए, महिलाओं की कल्याण के लिए। जरा दो शब्द दहेज प्रथा के खिलाफ अपना विचार रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं झारखंड सेवा संघ और दहेज मुक्त भारत के सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शांता क्रूज से दिलीप तिवारी जी आए हैं। ये गांव में मैं आपको बताया था कि हमारा विश्वधाम चैरिटेबल ट्रस्ट के मंच पर एक कथा फिक्स होता है और निश्चित रूप से आमंत्रण मिलता है। कल एक कथा फिक्स हो गया और आज एक और कथा फिक्स करने के लिए आए हैं शिवानंद तिवारी जी, दिलीप तिवारी जी, जो गंगा जी किनारे इलाहाबाद कुंभ मेला में कथा करने के लिए आमंत्रण दिए हैं। मैं दिलीप तिवारी जी से आग्रह करूंगा, कृपया यथाशीघ्र मंच पर उपस्थित हों। हाँ दिलीप, थोड़ा बोलेंगे भैया। दिलीप तिवारी आइए, जरा मंच पर आते दिलीप जी आ जाए, बाकी फिर बाद में व्यवस्था के साथ आवे। आ जाइए दिलीप जी, लाइए उदय जी, मदद कीजिए। दिलीप जी का हार्दिक स्वागत इस व्यासपीठ पर। जय गंगा मैया। छोड़ दीजिए, बस 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 बस। दिलीप जी दो शब्द में आप लोग आमंत्रण देंगे, दो शब्द दिलीप जी। हमारे पुत्र मिश्रा जी हैं, यहीं पे रहते हैं, नाना नानी का घर है। बोले दाने मैया की जय। ऐसे ही जयकारा लगाएंगे, कम से कम माता के दरबार तक जानी चाहिए। बोले दाने मैया की जय। श्रीमद्भागवत महाप्राण की गंगा मैया की।
ऐसी आवाज लगाइए कि गंगा जी तक पहुंचनी चाहिए। बोला गंगा मैया की जय हो जय हो। परम पूजनी श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास पीठ श्री व्यास जी महाराज, यहाँ के आयोजक तथा संयोजक मुख्य अतिथि एवं कार्यकर्ता संत समाज श्रोतागण भाइयों बहनों, ये परम पुण्य श्री जुदानी माता की गोद में आप लोगों को श्रीमद् भागवत श्रवण करने का जो सु अवसर प्राप्त हुआ, इसके तो आप यशस्वी हैं ही, लेकिन हमारी ये टीम को भी और हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। इसलिए समझ रहे हैं मित्रों कि ए गंगा मैया की गोद में कथा कराने का निवेदन और निमंत्रण वो भी जीवदानी माता की गोद में और आप लोगों के सानिध्य में, इससे बड़ा अवसर और कहीं नहीं मिल सकता मित्रों, और कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए कि ये अत्यंत पावन भागवत महापुराण है और वो भी इसका निमंत्रण जीवदानी माता की गोद में और होगी कहाँ, गंगा मैया की गोद में। ये दूसरी बार निमंत्रण है, दूसरी बार। और सुनिए, ये आज हम लोग जीवदानी माता की गोद में दिए हैं ये निमंत्रण, दूसरा मीरा रोड में दिए थे और यही निमंत्रण प्रयागराज संगम का ही था। सबसे बड़ा मूल्यवान कीमतीवान ये है कि परम पूज्य श्री व्यास जी का आशीर्वाद, आप सब लोगों का प्रेम और माता जी का दुलार मिलता है कि हर वर्ष नए नए माता जी के पुत्र पैदा होते हैं और नए नए कार्यक्रम तैयार करते हैं। इस बार श्रीमद् भागवत महापुराण का जो आयोजन इस महाकुंभ में माघ के महीने में प्रयागराज की भूमि, पावन गंगा मैया का तट, ऐसे परम स्थल पे श्रीमद् भागवत महापुराण का आपको हम सब की ओर से सादर प्रेम आमंत्रण। हे भगवान के भक्तों, आप लोग इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे, हम सब लोगों की यही आशा है। इस बार की कथा में हमारे कुछ नए हमारे मित्र हुए, एक गीतेंद्र त्रिपाठी जी करके, जो कि इतनी व्यस्तता होने की वजह से नहीं आ पाए, दूसरे हमारे रामधर दुबे जी हैं, ये सामने हैं, तीसरे ये जो अखिलेश मिश्रा जी हैं, अगले बार भी थे, इन तीन जनों की प्रमुख भूमिका है। मैं तो एक लगोटिया यार इनका हूँ, समझिए पीछे पीछे चलता हूँ और आप सबका सानिंद महाराज जी का दुलार, गंगा मैया का प्यार, हनुमान जी के संरक्षण में ये जो कथा करने का मौका मिला, इसका शुभ अवसर निमंत्रण आप लोगों की छत्र छाया में, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मित्रों, एक बात है स्वीकार करना, दे रहा हूँ स्नेह निमंत्रण, प्रिय वर तुम्हें बुलाने को, दे रहा हूँ स्नेह निमंत्रण, प्रिय वर तुम्हें बुलाने को, हे भगवान के भक्त गणों तुम भूल न जाना आने को, भूल न जाना आने को। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हेलो, मैं जब स्टेज पर आ रहा था तो मैं हमारे कार्यकर्ता को बताया था कि मैं अब स्टेज पर जा रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक लूँगा तो कुछ लोग कुछ बच्चे चले जाएंगे, कुछ भीड़ खाली हो जाएगी, लेकिन ये भीड़ खाली होने वाला नहीं है। मैं आप सभी को आपके कष्ट से वाकिफ हूँ, आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको बैठा सकें, हमने पंडाल को भी खुलवा दिया, सब व्यवस्था जितना तक हो सकता था हमने किया, फिर भी आपकी तकलीफ दूर नहीं हुई, लोगों की संख्या बढ़ती गई, यह भागवत कथा के लिए बहुत बड़ी बात है। एक तरफ हमें खुशी हो रही है, दूसरी तरफ हमें दुख इस बात का हो रहा है कि आप इतना मेहनत से दूर दूर से आए हैं और आपको हम एक बैठने भर का व्यवस्था भी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आगे क्या व्यवस्था कर पाऊँ, इस बात का दुख है जिसके
अगले वर्ष से उस विषय पर हम विचार करेंगे। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ तक उपस्थित होंगे। आप सभी को जो भी असुविधा हो रहा है मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं यहाँ पर कल परसों सिंपल झा के एक प्रसंग में बिहार सरस्वती सेवा समिति की चर्चा हुई थी। मुझे खुशी है कि आज बिहार सरस्वती सेवा समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य गण अपने बेस कीमती समय से सरस्वती पूजा करते हैं। लोग बड़े पैमाने पे सरस्वती पूजा होता है और उस सरस्वती पूजा में 3 महीना पहले से सक्रिय भूमिका निभाना पड़ता है इन लोगों को, तो काफ़ी व्यस्त समय में इन्होंने अपना यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं बिहार सरस्वती सेवा समिति के सचिव विष्णु जाउत कन्हैया जी से आग्रह करूँगा कि अपने पूरे टीम के साथ किशोर जी आदि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं आप कृपया मंच पर आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। आनंद जी जो आप सभी के अभिभावक हैं तो और किनका नाम लेना अगर कंपलसरी है तो मिथिलेश जी, अरविंद जी, पंकज जी, मैं एक बार सदस्य बोल दिया तो आ जाना चाहिए हमारे साथ। सचिव महोदय का नाम बोल दिया पूरा कमेटी, अध्यक्ष जी आके गए, आपके अध्यक्ष जी की हाजिरी हो गई है, आप सभी यहाँ उपस्थित हो। ऐसे हमारे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के हमारे कुछ बच्चे हमारे सहयोगी साथी हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आवे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के 2-3 बच्चे जो यहाँ अवेलेबल हैं इधर से आ जाए। और अभी भगवान की शादी जब तक ये आशीर्वाद ले रहे हैं हमारे BSS के लोग, तब तक मैं आपको एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस मंच की परंपरानुसार 7 दिन की कथा में व्यास जी 1 दिन मंच से उतरते हैं, आपके बीच तक जाते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन है, मुझे मुश्किल लग रहा है कि कैसे उतरेंगे, लेकिन उतरने का व्यवस्था तो करना ही है, सिस्टम है, वहाँ तक जाएंगे। उसके आगे हमारे कार्यकर्ता जितने हैं वो फूल की होली आगे तक कुछ कार्यकर्ता ले लेंगे फूल, चाहे तो आगे तक चले जाएंगे, व्यास जी वहाँ तक जाएंगे। इस बीच में किसी भी हालत में जो भी बैठे हैं उन्हें शिफ्ट कीजिए अगल बगल, ये रास्ता खाली होना चाहिए तभी ये संभव हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि आज इतनी बड़ी संख्या में तुलसी दल लेने के लिए ऊपर नहीं आना है, ऊपर आना काफ़ी डिफिकल्ट है। आप गेट पर प्रसाद मिलेगा, चूंकि गुरु जी से तुलसी दल लेते हैं तो गुरु जी आज आपके बीच में आकर के फूल तुलसी दे रहे हैं, तो वो आपके आंचल तक पहुंच जाएगा। आपको सहयोग इतना करना है, आप जहां बैठे हैं आप वहीं बैठे रहें, अगर आपके आंचल में ज़्यादा फूल आया तो आपके बगल वाले को आपका फूल दे दो, ये प्रेम बरसाओ, थोड़ा बेईमानी मत करो, जितना फूल आ गया वो सब समेट लो, चॉकलेट समेटा तो ठीक था, पता चला एक आदमी को 50-50 और एक आदमी को 1 भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप तक जहाँ तक गुरु जी का हाथ पहुँचेगा गुरुजी आपको फूल की होली खेलेंगे आपके साथ में, लेकिन जहाँ नहीं पहुँच पाया उन्हें मदद करें, गुरुजी का फूल आप तक आपके पड़ोसियों तक पहुँचाने का काम करेंगे। मुझे बच्चों से ये निवेदन है, ये आपका काम नहीं है, आपके चॉकलेट में हमने कभी डिस्टर्ब नहीं डाला, इसलिए हमारे फूल की होली में आप डिस्टर्ब नहीं देंगे, हमारे पीछे पीछे नहीं भागेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करूँगा। और दूसरा देखिए अभी से आगे आना चालू हो गया, आप लोग जहाँ तक बैठे रहें आगे आगे आप मत आइए, आगे मत आइए, जो जहां तक है वहीं बैठे रहिए। और दूसरा एक कि आज व्यासपीठ पर जो आप लोगों ने जो भी व्यासपीठ तक पहुंचते थे तुलसी दल मिल रहा है, हम लोग आज के जो भी व्यासपीठ की जो भी पैसा आता है वो गौशाला में जाता है। हमारे 1-2 महिला कार्यकर्ता 2-3 लोग आपके मध्य में थैला लेके जाएंगे, जिनको जो भी गुप्त दान है गौशाला के नाम पर गुप्त दान आप उसमें डालेंगे, 1 रुपया डालें, 5 रुपया डालें, वो आपका काम और लेने वाले का काम। दो या तीन महिलाएं आप लोगों में से कोई मदद करें, मैं थैला वाला देख विवाह का प्रसर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जीवदानी मैया की, भागवत भगवान की। सभी लोग शांति का परिचय देंगे और जो लोग जहां हैं वहीं बैठ जाएंगे, बिना मतलब से कोई न खड़े रहे।
जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, जहां हैं, जो बैठ जाए, आइए। क्या है, क्या है? सभी लोग बैठ जाएं कृपा करके, बिना मतलब से कोई ना खड़े रहे। नूतन जी और मेधा जी और एकाश सहयोगी जो है साथ में ले थैली लेकर के और भक्तों के बीच में जाएंगे। हेलो। और जो भी सहयोग राशि है वो लेकर के यहाँ जमा करेंगे गौशाला के लिए। अलग अलग थैली ले लें, दो तीन थैली। हमारे भागवत प्रचार सेवा समिति के ताली बजा के इसको आपका आशीर्वाद इस तक पहुँचाए। संजीव जी की तरफ से आप सबको मिठाई आया हुआ है प्रसाद में, पता नहीं आधा एक हो मिल सकेगा। हमने तो इनको बहुत ज्यादा बोला था, बोले 1500 मंगा लीजिएगा, लेकिन अभी 2500 की जनसंख्या में है जिसके बिहारी लाल की भगवान की जय जय श्री राधे। मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा, जो लोग मतलब में खड़े हैं बैठ जाएं कृपा करके, क्योंकि कथा बहुत ज्यादा है तो आप लोग सामने तो बिल्कुल न खड़े रहें, इधर उधर खड़े हो जाएं तो चलेगा। और नूतन जी और मेधा जी और दो तीन लोग जो हैं ये इसे ब्याह हो पाएगा है? ये देखो रोशन जी हैं, ये आप रोशन जी हैं, इधर आ जाइए इधर। बैठ जाइए, जहाँ है वहीं बैठ जाए। एक आध आदमी व्यवस्था के लिए खड़े रहेंगे चलेगा, क्योंकि इतने दुपट्टा है नहीं कि सबके गले में डर पाए, तो ताली से ही सहयोग अपना जो है अपना स्वागत करके और अपने आप को ये सोचो कि दुपट्टा डाल रहे हैं महाराज जी। और हमारे जो शांता कुश दिलीप तिवारी जी अपनी टीम के साथ आए, अखिलेश मिश्रा जी और अपने सहयोगी के साथ, तो इनमें से एक जो भैया हैं ये बिरार में ही कौन नगर नाना नानी पार्क कहाँ है बिरार में। बोले राधे राधे।